दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेन मौर्य आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर ऑफ जीरो या शून्य को की संख्या ज्ञात करना। कुछ विद्वान इसे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं या फिर अंत से शून्य को की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम में पूछता क्या है, किस जीरो की बात कर रहा, किस जीरो की बात नहीं करता है। फिर उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने लिखा 1000 जैसे आपने देखा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इसमें आप देख रहे हैं कितने शून्य आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक तरीके से तीन जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? तीन। यानी कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी, शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ 1050 और एक जीरो और मैंने बढ़ा दिया 10500 लिखा हुआ है, तो मान लीजिए अब इसमें क्या होगा, इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी ना, उस शून्यकों की संख्या दो होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? दो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये शून्य को हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि जो जितने अंत से बढ़ते हुए जितने जीरो मिलते हुए चले आते हैं, किसी अंक के आने से पहले, किसी सार्थक अंक के आने से पहले जितने शून्य मिलते हैं उन्हीं की संख्या हमको अपने क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, यही चीज फाइंड करना है। इसी के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोगों को इस चीज का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नेम डाल लीजिए आप, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने से पहले एक यहाँ पे बेसिक मेथड कहिए या फिर बेसिक इसका फंडामेंटल कहिए, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सीरीज दी हुई है। अगर दोस्तों मैं आपसे इसमें पूछूं कि दोस्तों इसमें दो कितने बार आ रहा है, कितना? दो। दो कितनी बार आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? सर हमें नहीं पता। क्या कहोगे? या फिर कहोगे सर एक बार आ रहा है। क्या कहोगे? एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? आप कहोगे सर एक बार आ रहा है। ठीक, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ दो को काउंट किया, जो आपके आंखों के सामने दिखा उसे ही मान लिया, सिर्फ एक ही बार दो आ रहा है। लेकिन अब मैथ की लैंग्वेज में देखोगे तो यहां पर जो 4 लिखा है ना दोस्तों, यहां पर भी 2×2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 2×2 लिखा जा सकता है। अगर हम 6 की बात करें तो यहां भी हम लिख सकते हैं 2×3। अगर मैं इसी तरीके से 8 की बात करूं, 8 को भी हम लिख सकते हैं 2×2, ये भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछूं सर कितने दो आ रहे हैं, तब आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जो दो की संख्या है ना वो 7 आ रही है। कितनी आ रही है? 7 आ रही है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लिखोगे 2 पर कितनी बार दो आया? एक बार। 4 पर कितनी बार दो आया? 1+1 बार। एक बार ये आया, एक बार ये आया। और 6 पर अगर मैं लिखूं तो आप कहोगे सर एक बार ही आया। अगर मैं 8 पर इसी तरीके से बात करूं, 8 पर आप कहोगे सर 1+1+1 बार। कितनी बार आया? 3 बार आया। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये चीजें मैंने ऐसी क्यों लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से निकालना चाहूं कि सर इस तरीके से मैं फैक्टराइज नहीं करना चाहता हूं एग्जाम में, किस तरीके से अगर लंबी सीरीज दी हुई होगी तो हम कैसे सर फैक्टराइज कर पाएंगे? यहां पर सर आपने समझाने के लिए तो 9 तक ले लिया। अगर मुझे 150, 200, 500, 1000 की सीरीज दी हुई होगी कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन में, सर हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें दो की संख्या कितनी है?
या फिर चार की संख्या कितनी है, या फिर पांच की संख्या कितनी है, या फिर सात की संख्या कितनी है, या फिर किसी भी नंबर को लेकर के हम निकालने का प्रयास करें कितनी है, तो सर हम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। तो डरने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो सीरीज का, सीरीज कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर एक से स्टार्ट हो आपकी, या फिर दो से स्टार्ट, या फिर एक से सीरीज स्टार्ट होना चाहिए, या फिर कहां से स्टार्ट होना चाहिए, दो से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं इसमें एक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं या सीरीज एक से स्टार्ट होनी चाहिए या दो से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था सर, दो की संख्या जो आप निकाल रहे हैं ना, आपने यहां पर टोटल काउंट करके निकाला, कहा सर इसमें सात बार दो आ रहे हैं, इसको किस तरीके से फाइंड करोगे। जो यहां पर नाइन है, क्या है, नाइन, नाइन को आप उस संख्या से डिवाइड करोगे जो आपको निकालना है। आपको निकालना क्या था दोस्तों, आपको निकालना था टू, किससे आपने डिवाइड कर दिया, टू से। जैसे ही आपने टू से डिवाइड किया और इसको देखा मैक्सिमम बार जो भाग जा रहा है वो कितनी बार जा रहा है, दो चौके आठ, कितनी बार भाग जा रहा है, चार बार जा रहा है। जैसे ही आपने भाग गया, ये कितनी बार गया, चार बार भाग गया, लेकिन अभी आपके पास एक शेषफल बच गया, एक शेषफल बच गया। अब जो वो शेषफल बचा हुआ है दोस्तों, उस शेषफल को आपसे कोई मतलब नहीं, उस शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है मैक्सिमम कितनी बार हम भाग को ले जा सकते हैं या फिर भाग दे सकते हैं उस संख्या को। तो जैसे आपने डिवाइड किया, 9 बटे 2 आपका आंसर आया सर 4, कितना आया 4। अब आगे बढ़ा मैं, अब 4 को अगर हम जो ये संख्या है ना इसको यहां पे उतार लो, अब 4 को क्या करना है, पुनः उसी संख्या से विभाजित करना है जिसका मान आपको निकालना है। 4 को आपने पुनः विभाजित किससे आया, 2 दुनी 4। यहां पर दोस्तों कोई भी शेषफल हमें नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग शेषफल को निग्लेक्ट करें या फिर कुछ करें, कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, पुनः क्या करोगे, जो यहां पर 2 आया है ना उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है, यह क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जो आपका भाजक है, जो आपका भाजक है वह कम ना आ जाए, किससे, भाज्य से। अब जैसे आपने डिवाइड किया 1 आ गया, अब आप देख रहे हैं जो ये 2 है 1 से क्या है, बड़ा, और आखिरी में अब जाकर के जो भाजक बनता हमारा, भाज्य जो बनता 1 बनता, वो भाजक क्या बनता, 2। अब यहां पर जो होता क्या होता कि हमारा जो भाजक है वह क्या होगा, भाज्य से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर क्या किया, भाग देना बंद कर दिया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि यह संख्या अब दोबारा हमारी डिवाइड नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने यहीं पर इसको क्या किया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब काउंट करिए, अब यहां से जैसे ही आप काउंट करो दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। वही सेम प्रोसेस आपने देखा था कि बेसिक मेथड से सेम चीजें निकाली थी आपने, 7 आया था और यहां पर भी आपने कितना निकाला, 7 निकाला। ये प्रोसेस जो है लॉन्ग सीरीज के लिए, बड़ी सी बड़ी सीरीज में निकालने के लिए है, और ये प्रोसेस जो है एक लिमिटेड सीरीज को निकालने के लिए, एक छोटी से छोटी सीरीज को निकालने के लिए। अच्छा दोस्तों, आपको मजेदार बात यहां पे एक बात बताता हूं मैं, जो ये 4 आया है दोस्तों ना, जो ये 4 आया है, जो ये 4 आया है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो प्रदर्शित ये कर रहा है, दो 4 बार ऐसी जगह आ रहा है जिसमें सिर्फ पहली बार में ही 2 की मान आ गया। जैसे 4 बार देखिए, 1 बार पहली बार में आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 का एक बार मल्टीप्लिकेशन है, और जो दोबारा आपने निकाला है वहां पे देखा होगा 2, 2 आया, 2 ये बताता है 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं में है। अब कहां कहां है वो हमें देखना है, एक बार तो दोस्तों आप यहां था, दूसरा कहां है, यहां, यानी कि एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 बार 2 बार सिर्फ 2 जगह है। अब जो तीसरी बार आपने निकाला कितना आया, 1 आया, 1 यह प्रदर्शित कर रहा है 1 का मल्टीप्लिकेशन उस सीरीज में 3 बार केवल एक ही जगह है, वह किसमें था दोस्तों, 8 में था।
ये मतलब कि जो अलग अलग मान हमारे निकले 4, 2 और 1, ये तीनों अलग अलग चीजें हमारी प्रदर्शित कर रही थी, और क्या प्रदर्शित कर रही थी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम इसी में बात कर लें दोस्तों और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर मैं इसी में आपसे कहूं सर ये बताओ आप 4 कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर 4 कैसे निकालेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर 4 को भी अगर आपको निकालना है तो आप सेम प्रोसेस अप्लाई करो, आप सेम प्रोसेस अप्लाई करो। जैसे मैं कह रहा हूं 4 आप सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ओपन रूप में देखें तो 4 सिर्फ यहां पर दिख रहा है, लेकिन अगर हिडन रूप में देखें तो 4 यहां भी है। यहां पर किस रूप में है, 4×2 के रूप में है, यहां पर भी 4 है। यानी सिर्फ ऐसे दो प्लेस हैं जहां पर 4 दिख रहे होंगे। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट, अगर आपको पिछले मेथड की जो लॉन्ग टर्म के लिए मेथड है, लॉन्ग सीरीज के लिए मेथड है, उसमें देखें तो उसमें निकालना होगा आपको 9/4। अब आप जानते हो 4×2 8, 2 बार भाग जाएगा। जैसे ही आपने देखा 4×2 8 जा रहा है, यानी कि जो 4 है इस पूरे सीरीज में कितनी बार आया होगा, वह 2 बार आया होगा। और 4 जो है वह हमारे कितनी बार आया होगा, वह 2 बार मान आया होगा। ठीक है, तो यानी कि जो 4 है वह 2 बार, पहली बार यहां आया, दूसरी बार इस 8 में आया। ठीक है, यानी कि 2 बार 4 का मान आया होगा। अगला कोई मान निकालना चाहे, मान लीजिए कि हम 5 का मान निकालना है, तो 5 को आप 9×5 से डिवाइड करो, आपका मान कितना आया, 1 आया। और एक ही जगह आप देख रहे हो पूरे सीरीज में 5 आ रहा है, एक ही जो है पूरे सीरीज में आपका 5 एक ही बार पूरे सीरीज में आ रहा है। इस तरीके से आप मानों को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे किस तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, शून्यकों की बात करते हैं। दोस्तों जो शून्यक होते हैं ना, शून्यक का निर्माण सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के गुणज से होता है। जैसे मैं आपको बात करूं 10 की, अगर मैं बात करूं 10 को आप लिख सकते हो सर 2×5, यानी कि अगर 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया तो हमारे एक शून्यक का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी तरीके हम 100 की बात करें तो 100 को दोस्त आप लिख सकते हो 2×2×5×5, ये लिख सकते हो आप। अब आपने देखा यहां पर 2 और 5 के कितने जोड़े बन गए दोस्तों, 2 और 5 के 2 जोड़े बन गए। और 2 और 5 के अगर 2 जोड़े बने, यानी कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं इसी तरीके से 1000 की बात करूं, 1000 की बात करूं, इसका मतलब ये हुआ इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो गुणनखंड होगा वह होगा 2×2×2×5×5×5। यानी कि यहां पर जो हमारे जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, वह कितनी बार बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और अगर 3 बार बन रहे तो इसमें शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मैं इसी तरीके से आपसे बात करूं सर 90 का बताइए, और 90 का आपने देखा सर 1 है, 90 में कितने शून्य आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो आपका यहां पर 2 और 5 का जो जोड़ा बनना है वह भी केवल 1 ही बार बनेगा। और ये कैसे हम फाइंड करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, 90 का आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर दो, 2×45 में 90, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3×1=3, 3×5=15, अब किससे ये डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3×5=15, फिर यह किससे डिवाइड होगा, 5 से। अब इसका अगर हम फैक्टर यहां पर लिखे, वह मान आएगा 2×3×3×5, यह मान आपका आया। और आपने जैसे ये मान निकाला, इस मान में आपने ये देखा 2 और 5 का जो जोड़ा बन रहा है वह कितनी बार बन रहा है, केवल 1 बार बन रहा है। और जब 1 बार बना तो आपके शून्यकों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी, वह सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए थी, 1। और आपके क्वेश्चन में भी दिख रहा था 2 और 5 का जोड़ा 1 बार अगर बन रहा है तो इनके शून्यकों की संख्या भी दोस्तों कितनी हो रही थी, 1 हो रही थी। चलिए अब आगे बात करते हैं।
अगर और कोई भी नंबर आता, मान लीजिए आपके सामने मैं कहता सर 1050 आया है, इसमें आप शून्यकों की संख्या बताओ, अगर आप इसमें भी देखोगे तो जो जोड़े बनेंगे दो और पांच के, वह कितना बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा ऐसा होगा जो दो और पांच का बनेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, उसका मान आ रहा होगा। ठीक है, यहां से एक बात तो यह क्लियर हुई कि अगर शून्यकों की संख्या हमें फाइंड करनी है तो हमें जोड़ों की संख्या को देखना पड़ेगा, कितने जोड़े बन रहे हैं और ये जोड़े किसके होने चाहिए, दो और पांच के होने चाहिए। अगर हम दो और पांच के जोड़ों की संख्या को फाइंड कर लेते हैं तो हम यह बता पा रहे होंगे सर हमारे इस प्रश्न में शून्य कितने आ रहे होंगे। अगर शून्य फाइंड हो गया तो आपका इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर एक इस सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज देखिए किस तरीके से सीरीज में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा सर एक से लेकर के 40 तक की सीरीज में आप शून्यकों की संख्या बताओ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 कहां तक दोस्तों, मैंने कहा यहां तक बताओ आप 40 तक सीरीज का, आप क्या बताओ इसमें टोटल कितने शून्य हैं आपको ये बताना है। अगर हमको इसमें टोटल शून्यकों की संख्या दोस्तों बतानी है तो आपको करना क्या होगा कि आपको मैंने बताया कि आपको जो मैंने एक छोटी सीरीज दी थी उसमें 2 का फैक्टर निकालना बताया, 5 का निकालना बताया, 4 का निकालना बताया, 7 का निकालना बताया, 9 का निकालना बताया, सभी का अलग अलग फैक्टर, मतलब कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 4 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 7 आएगा, सभी को मैंने अलग अलग निकालना आपको बताया। लेकिन यहां पर आपको सीरीज थोड़ी लंबी दी हुई है, अब सीरीज लंबी दी हुई तो आपको क्या करना है, जो आप मैंने दूसरा मेथड बताया था लॉन्ग टर्म मेथड, लॉन्ग सीरीज के लिए, उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना। अब जैसे मैंने कहा 40 में आपको ये तो पता चल गया कि अगर शून्यक निकालने हैं, अगर शून्यक निकालने हैं तो 2 और 5 के जोड़े पता होने चाहिए, 2 और 5 के क्या पता होने चाहिए, जोड़े। यानी कि हम अगर ये पता कर ले कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है तो हम यह भी फाइंड कर सकते हैं 2 और 5 के जोड़े कितने होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो 40 है 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, पहले मैं 2 के निकाल रहा हूं कितनी बार 2 आएगा, 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करें आपका कितना मान आया दोस्तों, 20 आया। 20 क्या 2 से छोटा है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, पुनः डिवाइड करोगे, पुनः आपने डिवाइड किया, 20/2 किया कितना आया, 10 आया, फिर 10/2 किया कितना आया, 5 आया, फिर 5/2 किया कितना आया, 2×2 = 4, फिर 2/2 किया कितना आया दोस्तों, 1 आया। कितना आया आपका मान, 1 आया। मतलब तब तक यह क्रिया डिवाइड करने वाली करनी है जब तक हमारा मान जो हमारा भाजक होगा उससे छोटा ना आ जाए, और मैंने देखा आपने तब तक मैंने यह क्रिया की जब तक यह मान हमारा छोटा नहीं आया। अब आप टोटल को काउंट कर लो, कितनी बार ऐसी क्रिया हुई है, मतलब कितनी बार 2 आया है इस पूरे सीरीज में। अगर इस पूरे सीरीज की बात करें, 2 की संख्या जो होगी 20, 10, 30, 35, 37, 38 बार हमारे क्या होंगे दोस्तों, शून्य आएंगे, 38 बार जो होंगे, सॉरी शून्य 38 बार हमारा 2 आएगा इस पूरे सीरीज में। तो यहां पर 2 कितनी बार आ रहा दोस्तों, 2 आपका आ रहा 38 टाइम्स, 38 टाइम्स, कितनी बार आ रहा है, 38 टाइम्स, 38 बार आ रहा है यह क्या, 2। अब आगे अगर हम बात करें 5 की, 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमको यह पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार इस पूरे सीरीज में आएगा। जैसे ही आपने 5 से डिवाइड किया, 5×8 = 40, कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार। अब 8 को पुनः किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 8 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 8 को आपने 5 से डिवाइड किया और आपके पास मान कितना आया, आपके पास जो मान आया वह आया 5×5, और शेषफल कितना बचा आपका, 3 बचा। जो ये 3 शेषफल आपका बच रहा है यह ये बता रहा है कि आपका जो है इस मान को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वही लेना है जो आपका
भागफल आया हो, जितनी बार मैक्सिमम टाइम भाग गया हो, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, आठ कितना हो गया दोस्तों, नौ हो गया, कितना हो गया, नौ हो गया। यानी पांच कितनी बार आया है दोस्तों, पांच कितनी बार आया है, नौ टाइम्स, यानी कि नौ बार। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल करके आया, यहां से दोस्तों यह निष्कर्ष निकल करके आया कि अगर इस संख्या को 38 को अगर हम लिखना चाहें तो 9 प्लस 29 लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 9। अब ध्यान दीजिए 9 और 9 के जोड़े बन गए। अगर 2 को 9 बार ले लें, अगर 5 को 9 बार ले लें, तो जोड़े बनाने के लिए दोनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। और जब बराबर मात्रा में लिया, 2 को 9 बार लिया, 5 को 9 बार लिया, तो हमारे टोटल जोड़े कितने बने दोस्तों, जोड़े हमारे जो बन गए वह जोड़े बन गए 9। कितने जोड़े बन गए, 9 जोड़े बन गए। जो 9 जोड़े ये बने हैं ना दोस्तों, यह यही बताएगा इस पूरे सीरीज के मल्टीप्लिकेशन में जो शून्य का आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 9 आने वाले हैं। कितने शून्य का आने वाले हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 9 शून्य का आने वाले हैं। यानी जो शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी होगी दोस्तों, शून्यकों की संख्या जो होगी वह होगी 9। कितनी होगी, 9। शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 9 होगी। अच्छा, यहां पर आपने शून्यक निकाल लिए। अब यहां पर मैं एक बात और करना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहां पर जो शून्यक थे हमारे 9 है, इस 9 को मैं डायरेक्टली और इजीली और जल्दी और आसानी से कैसे फाइंड कर सकता हूं, यह भी आप जान लो। आपने जो इस सीरीज से 9 निकाला है ना, कि आपके 9 जो शून्य आ रहा है, इसको और आसानी से फाइंड कर सकते हो। कभी भी अगर आपको सीरीज दी हुई हो, जो सीरीज का आखिरी अंक होगा उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड कर दो। 40/5 कितना आया, 8, और 8/5 कितना आया, 1, दोनों को जोड़ दिया कितना आया, 9। आपको 200 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 5 से डिवाइड करके आप देख लो जितना आ रहा फाइनल में आंसर, वही आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या, शून्य, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। आपको कुछ अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन, अब स्क्रीन पर लाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। अब इस पर देखिएगा आप लोग क्या किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 700 × 375 × 182 × 128 कितना है, 25। कितना आया, 25। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा शून्य कितने हैं, दो शून्य का ऑलरेडी, दो शून्य कितने हैं ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, दो जो शून्य दिख रहे हैं इसको एज इट इज आप ऐसे भी छोड़ दो, बाकी का फैक्टराइजेशन जैसे करोगे, 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5,
25 को क्या लिख सकते हो आप, 5×5, और 128 को क्या लिख सकते हो, 128 आपको पता है 2^1 कितना होता है, 2, 2^2 कितना होता है, 4, 2^3 कितना होता है, 8, 2^4 कितना होता है, 16, 2^5 कितना होता है, 32, 2^6 कितना होता है, 64, 2^7 कितना होगा, 128 कितना होगा दोस्तों, 128। अगर 2^7 128 हो रहा है तो आप यहां पर लिखो सीधे 2^ कितनी हो जाएगी आपकी, 7, कितनी हो जाएगी, 2^7। अगर यहां पर इसी तरीके से हम 182 को देखें, 182 आप फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर आप फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करो, इसको 182 को जैसे 182 वो जैसे 2 से डिवाइड किया आपने, क्या आया आपके पास आएगा, वह आएगा 91×2, क्या जाएगा 91×2, और जैसे ही आपने देखा 91×2 यानी कि 2 की संख्या कितनी बार आई, 1 बार आई। अब इसी तरीके हम 375 को देखें, 375 को अगर आप देखो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, यह आपको निकालना है, यह आपको निकालना, ठीक है, यह जो आएगा आपका आएगा 5^3, 5×25 = 125 × 3, 125 तीन यह कितना होगा 375, यानी 5^3 गुड़े कितना आ गया, 3 आ गया, यह इसका जो है मान आया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर टोटल 5 कितनी बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, यहां पर, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 5 times आ रहा है। और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है एक बार यहां पर, 7 बार यहां पर, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 9 times, 2 कितनी बार आ रहा है, सॉरी 8 times, कितनी बार आ रहा है, 8 times, यानी कि 8 बार क्या आ रहा है हमारा, 8 बार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर किसी संख्या में 2 शून्यक है, किसी संख्या में 2 शून्यक है, यानी कि यहां पर 2 और 5 के जो जोड़े बने होंगे कितने बने होंगे, 2 बने होंगे, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले जब मैं 100, 1000, 2000, 3000 की बात कर रहा था तो वहां पर बताया था, या अगर आपको वहां से नहीं आना इसको ऐसे छोड़ दो। अब आप देख रहे हो सबसे छोटा क्या है, 5 है, सबसे छोटा 5 है, यानी कि 5 क्या होंगे आपके, जीरोज होंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने, इतने सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ इतने सीरीज में आपके जीरो कितने होंगे, 5। और आप देख रहे हो यहां पर आपने 2 शून्यकों को छोड़ रखा है, इन दोनों शून्यकों को ऐड कर दो, कितना गया टोटल जो शून्यकों की संख्या आएगी दोस्तों, वह आएगी शून्यकों की संख्या जो होगी वह हमारी कितनी होगी, 7 होगी, जो शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी होगी हमारी, 7 होगी, यानी कि इस प्रश्न में जो है टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे दोस्तों, वह टोटल और टोटल 7 आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है, और आपको थोड़ी देर पहले मैं इस टाइप से एक प्रश्न को हल कराया हूं, वो प्रश्न था 1 से लेकर 40 तक, और मैंने ऐसी सीरीज को हल करने के लिए आपसे कहा था दोस्तों, ऐसी सीरीज को अगर आपको हल करना है आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज के आखिरी डिजिट पर जाना है, आखिरी संख्या पर जाना है, आखिरी संख्या को आप किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, जितना आ जाए मान 5 से डिवाइड करोगे, और तब तक डिवाइड करोगे जब 5 से, जब तक 5 से छोटा मान ना आ जाए, जब तक 5 से छोटा मान ना आ जाए वही हमारा क्या होगा दोस्तों, शून्यकों की संख्या होगी। अगर मैं इस सीरीज को लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 1×2×3×4×5×70 तक, कहां तक, 70 तक लिखूंगा, यही तो लिखूंगा, 70 तक संख्या अंकों का गुणा करना, संख्याओं का गुणा करना है, 170 तक गिनती की जितनी संख्याएं हैं सभी का आप गुणा कर दो, कर दिया। अब यहां पर जो प्रश्न उठ रहा है, हमको शून्यकों की संख्या फाइंड करनी है, अगर शून्यकों की संख्या हमें फाइंड करनी है, यानी कि जो 70 है, 70 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा 2 की रिपीटेशन जो है बहुत बार होगी,
आप काउंट कर लेना, भी निकाल भी देंगे, दोनों चीज कर देंगे, लेकिन आप दो के रिपीटेशन से बहुत ज्यादा होगी, दो बहुत बार आएगा। सिर्फ हम दो को काउंट नहीं करना चाहें, डायरेक्ट हम छोटे को काउंट कर ले, जो हमारा पांच है पांच कम बार आएगा, क्योंकि जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका मल्टीप्लीकेशन उतनी ही कम बार होता है, और पांच का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा हमारा, कम बार होगा। जब कम बार होगा तो हमको सिर्फ पांच को फाइंड कर लेना है, पांच को फाइंड करना, जितनी बार आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 14 × 5 = 70। अब देख रहे हो आप, पांच से बड़ा है 14, तो दोबारा आप डिवाइड कर दो, 14/5, 5 × 2 = 10, 4 से इस पर कोई मतलब नहीं। अब आपने देखा कि 14 × 2 = 16 बार क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। जब 16 बार 5 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों ना, वो कितनी होगी हमारी, 16 होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा हो अपने ऊपर की 2 और 5 के जोड़े हमारे गलत बन रहे हैं, तो आप क्या करो कि 70 से 2 को भी डिवाइड करके ये चेक कर लो कि कितनी बार हमारे 2 आए हुए हैं। आप 70 को 2 से डिवाइड करोगे यहां पर कितना आया, 35, और 35 को 2 से डिवाइड करोगे यहां पर कितना आएगा, 17, और 17 को 2 से डिवाइड करोगे यहां पर कितना आएगा, 8, 8 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1। सभी को आप ऐड करोगे, आप देख रहे हो पहला डिवीजन हमारा 16 से बड़ा आ गया, यानी कि जो नंबर आप जीरो होंगे, जोड़े तो हमारे उतने ही बनेंगे ना, जितने 2 और 5 आएंगे, 2 और 5 तभी संभव है कि जब 2 और 5 की संख्या बराबर 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 हो। और यहां पर देख रहे हो आप पहली बार में ही 35 आ गया, तो आपको उसकी काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर 16 है जो सबसे छोटा होगा, डायरेक्ट वही देख करके आप बता दो सर इतना ही हमारे होंगे शून्य होंगे, और इतने ही आपके शून्य होंगे, आपका कितना आंसर आया, 16 आया, और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगर ये करेक्ट हो गया तो आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन को लेकर के। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी इसी तरीके से सीरीज दी हुई है, अगर इस तरीके से सीरीज दी हुई है तो आप शून्यकों की संख्या तुरंत बता लोगे। अब शून्यकों की संख्या बताएं कितना आसान, देखो 150 दिया है, 150 को किसे चेक करना है, क्या 2 से चेक करने की जरूरत है, 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से चेक करना है, 5 से चेक करो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कितने शून्य आएंगे, और जैसे ही आपने 5 से चेक किया 150/5 कितना हो गया दोस्तों, 150/5 हुआ, 5 कितना आया 30 है, 30/5 कर दिया कितना आया 6 है, 6/5 कर दिया कितना है 1 आया, कितना हो गया 30 × 36 = 37, कितना हो गया 37, 36 × 36 = 37, 30 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, टोटल हमने डिवाइड किया कितना आ गया, टोटल ऐड किया हमें कितना आ गया हमारा 37, यानी कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी, 37 होगी, डिवाइड करने के कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको 150 तक सीरीज दिया हुआ था, 150 में सिर्फ डायरेक्ट आपने 150 को लिया, जो आपका ये आखिरी वाला अंक दिया हुआ है ये आपने सिर्फ इसको लिया, इसको लेकर के आपने डिवाइड कर दिया, आपका कितना 37, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखिएगा फैक्टोरियल 30 का जो दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, इसको करने से पहले पहले फैक्टोरियल के बारे में जान तो लें, इस क्वेश्चन को करने से पहले फैक्टोरियल के बारे में जान तो लो आप किस तरीके से हल किया जाएगा। दोस्तों फैक्टोरियल कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं क्रमगुणित संख्या क्या होती है, जो क्रमगुणित संख्या आपने पढ़ा है तो क्यों नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हो बच्चा। फैक्टोरियल 5 जो होता है ना, फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये लिख सकते हो, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है वो तब तक मल्टीप्लाई करना है जो फैक्टोरियल में मान दिया हो, तब तक आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। अगर इस तरीके से हम देखें तो 1 से लेकर के 5 तक के सीरीज का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 1 से लेकर के 5 तक की गिनती का क्या हुआ, गुणा हो गया। अगर मैं इसी तरीके से फैक्टोरियल 8 की बात करूं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, सेम प्रोसेस, कुछ करना और ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूं सर 150 का क्या होगा, फैक्टोरियल इसी तरीके से भी फैक्टोरियल लिखा जाता है,
आपने इस तरीके से लिखा तो लिखा, लेकिन इस तरीके से फैक्टोरियल का होता है लिखा जाता है। अब 150 की बात करूं, एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पांच गुड़े डॉट 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 148 गुड़े 149 गुड़े 150, यानी कि 150 तक कंटिन्यूअस हम गिनतियों की क्या करेंगे, गुणा करते हुए चले जाएंगे। जब गुणा करते हुए जाएंगे तो वही हमारा मान क्या होगा दोस्तों, वही जो होगा आखिरी में सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इस फैक्टोरियल का मान होगा। अब इतना लंबा गुणा करने नहीं जा रहे हैं, इतना लंबा गुणा करके मान बताएं तो हमको निकालना क्या, हमको शून्यक निकालें। शून्यक किसके निकालने, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ फैक्टोरियल 30 का। अब फैक्टोरियल 30 का निकालना है, तब आप बताओ आपके लिए काम आसान कि नहीं। पहले दो क्वेश्चन इसके जस्ट ऊपर वाले, जो आपने 70 तक का मान निकाला, 150 तक का मान निकाला, सेम उसी के रूप में मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। जब उसके रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है तो उसी के रूप में आप इसको हल करिए। आपको फैक्टोरियल 32 निकालना है ना, कुछ मत करना दोस्तों, आपको मत कुछ कोई सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ वह काम यह करना है कि जो आपको 32 दिया हुआ ना फैक्टोरियल 32, और 32 को आप क्या करो, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना चालू कर दो, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना चालू, 32 को 5 से डिवाइड करना चालू कर दो। कितना है 5 में 30, 6 बार गया, 6/5 कर दो, 6/5 कितना है, आपका टोटल जो होंगे शून्य जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6, 7। यानी कि जो 32 में शून्य होंगे कितने होंगे, 7। लेकिन आपसे पूछा हुआ है किसका, 30 का, 30 बटे आप क्या करोगे 5, कितना हुआ 5/6, 6/5 फिर क्या करोगे 1, कितना गए दोस्तों 7। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 7, ठीक है, क्लियर। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो फैक्टोरियल दिया उसी को 5 से डिवाइड करते हुए चले जाओ, जो फाइनल आंसर आया वही आपका क्या होगा, मान होगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है, वह क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। भैया 5 भी आपने जो निकाला है ना ये 7, ये 5 का भी मान बताएगा और शून्यकों की संख्या का भी मान बताएगा। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आपसे ये पूछ ले फैक्टोरियल 30 में 4 कितनी बार आएगा, अब आप ये बताओ, मैं प्रश्न चेंज कर रहा हूं थोड़ा, देखिए जितने टाइप से प्रश्न बन रहे हैं दिमाग में जितने आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूं। कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया कि फैक्टोरियल 30 में 4 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, 30/4 कितना हुआ, 7/4 28, 7/4 कितना हुआ 1, टोटल आपने देखा कितनी बार आ गए दोस्तों, 8 बार, 4 कितनी बार आएगा 8। कभी ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये अवेयर रहना चाहिए, इस तरीके से हम मान निकालते हैं, शुरू से मैं बताता हूँ आ रहा हूं। चलिए अगर ये चीज आपको पता चल गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 99 में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, अरे भैया 99 की बात कर रहा है तो 99 डिवाइड बाई 5 करो ना डायरेक्ट, 19/5 करो, 5 3 15 कम आ गया ना मान, 5 से छोटा है ना 3, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, आप 3 दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया 19 3 22, यानी जो शून्य की संख्या होगी कितनी होगी 22, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले बाबू ना एक काम कर लो, आपको मैं सम संख्याओं की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना पहले बता देता हूं, जो आप स्क्रीन पर दिख रहा ना 41 से लेकर 250 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, यह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इससे क्वेश्चन करने से पहले यह जान लो आप कि नंबर आप सम संख्याओं के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यह आपको जानना है। बता जो सम संख्या शुरू होती है 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8 कुछ इसी तरीके से चलेंगे। मान लो मैं आपसे बात करूं सर 88 तक के बीच में शून्यकों की संख्या बताओ, कितने तक के बीच में, 88 तक के बीच में शून्यकों की संख्या बताओ। जब यहां तक हम बात करें दोस्तों, अगर आपको पता है कि 88 में अगर हम 2 और 5 के जोड़े अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमारे शून्यकों की संख्या आ जाएगी,
अब आपको पता है सभी दो का मल्टीपल जो है यहां से लेकर के दो से लेकर के 88 तक, यानी तक यहां तक दो से लेकर के 88 तक में दो की बहुत ज्यादा नंबर होंगे। 88 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, चार में दो बार आ गया, आठ में तीन बार आ गया, सोलह में चार बार आ गया। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इतने मान आएंगे हमारे, तो हमको दो को काउंट करने की जरूरत नहीं है, 88 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो, पता चल जाएगा कितनी बार आ रहा है। 88 को 5 से डिवाइड किया कितना आया, 17 बार आया। कितना आया, 17, 5 एकम 5, 5 होते। अब 17 को क्या करोगे, 17 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन दोस्तों 17 3 कितना है, 20 है। लेकिन दोस्तों ये बताओ, आप ये बताओ, ये क्रिया तो आप साधारण सीरीज में भी कर रहे थे ना, 5 से डिवाइड कर रहे थे, जो मान आ रहा था वही आपका क्या हो जा रहा था, आंसर हो जा रहा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चलेगा, यहां पर आपके जो बीच की गैपिंग है ना दोस्तों, वो दो दो की है। कितनी की है, दो दो की है, यानी कि दो दो की गैपिंग के बाद आया है, यानी कि ये भी जो होगा आधा हो जाएगा। जब यहां पर गैपिंग दो है तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि जो 5 आएंगे ना, 5 जो आएंगे 20/2, यानी कि 10 बार आएगा, 10 बार। इस पूरे सीरीज में 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 10 इसलिए आएगा क्योंकि हम सम संख्याओं को ले रहे थे, सम संख्याओं के बीच में गैपिंग कितनी हो रही थी, दो की हो रही थी। क्लियर, चलिए। अच्छा ये 5 कहां कहां आएगा, जो 5 आएगा ना दोस्तों वो आएगा आपका 10 पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा, 70 पर आ जाएगा, 80 पर आ जाएगा। लेकिन यहां पर 50 में जो है ना 5 कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। कैसे, 5 × 5 × 2, 5 × 25 = 50। काउंट कर लो, 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी बार आया 5, वो 5 जो है हमारा कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। अब ध्यान दो, अब जो आपकी सीरीज दी हुई है ना, अब सीरीज पे चलते हैं। सीरीज आपकी दी हुई है 41 से लेकर के 250 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर से कितने शून्य आएंगे, ये निकालना है। तब दोस्तों जो आपकी सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई है 41 से लेकर के 250 तक, 41 42 43 44 में सम संख्याओं, अब तो यानी कि विषम संख्याओं का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब कहां तक निकालना है, 250 तक निकालना है। अब इस सीरीज को आप देखो, एक से लेकर के 40 तक की सीरीज हमारी क्या है दोस्तों, गायब। एक से लेकर के 40 तक सीरीज क्या है, गायब। तो एक से लेकर के 40 तक की सीरीज में पहले देख लो शून्य कितने आ रहे हैं। आपने देखा सर 40 आखिरी सीरीज का आखिरी है, 40/5 कितने आ गए, 8, 8/5 कितने आ गए, 1, यानी कि जो इसमें शून्य का आएंगे कितने आएंगे, 9 आएंगे। कितने आएंगे, 9 आएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर अगर हम बात करें इस सीरीज में टोटल एक से लेकर के, पहली सीरीज 140 देखी, अब दूसरी जो सीरीज देखोगे एक से लेकर के 250 की देखोगे। अब 250 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। कितना आया, 30 आया। 30 को किससे डिवाइड करोगे आप, 5 से। कितना आया, 5 × 6 = 30। अब 6/5 करे आपने कितना आया, 30 × 6 = 36 से कितना आ गया, 37। कितना आ गया, 37। कितना आ गया दोस्तों, 37। टोटल अगर हम शून्य की बात करें एक से लेकर के 250 के बीच में कितने आएंगे, 37 आएंगे। कितने आएंगे, 37 आएंगे। और हमको क्या निकालना था कि दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ठीक है, कितने शून्य आएंगे हमको ये फाइंड करना था।
सॉरी यहां पर फिर से लिखिए, यहां पर जो मान आया है पांचम 25 50 बार गया है और यहां पर 50 होगा, यहां पर क्या होगा 50 बटे 5 कितना होगा 10 बचे 50 और 10 बटे 5 कितना हो गया 2। अब कितना है 50 10 60 2 62 आ गया, कितना आ गया 62 आ गया, 62 बार ये आ रहा, लेकिन सम संख्याओं की बात कर रहा है तो 5 कितनी बार आएगा, 5 जो आएगा 62 बटे 2 यानी कि 31 बार टोटल सीरीज में आएगा, 31 बार टोटल सीरीज में आएगा। और अगर इस सीरीज में बात करें, इस सीरीज में 9 बटे कितना गया 2 यानी कि 4 बार, 4 बार 1 से लेकर के 40 तक में सम संख्याओं में क्या आएगा 5 आएगा, कितनी बार आएगा 5। वो 10 संख्याएं कहां होंगी 10 20 30 और 40, 4 बार इस जगह क्या आएगा हमारा 5 आएगा। अब क्या करो, इस चार को इस टोटल सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज आपने एक्स्ट्रा ऐड की थी ना, इस सीरीज को टोटल सीरीज में से माइनस कर दो। पांच कितनी बार आया था यहाँ पे 31 बार आया था, 31 में चार की आपने कितनी बार आ गया 27 बार, यानी 27 ऐसे शून्य होंगे जो हमारे क्या होंगे इस सीरीज में आएंगे, ठीक है, सम संख्या होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों करेक्ट होगा, क्या होगा बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ये आपको क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करना है तो किस तरीके से हल करोगे आप, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। एक से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे। अब बच्चा एक से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करना, तो इसमें जो सम संख्याओं का शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले आप टोटल शून्य ज्ञात कर लो। 100 बटे कितना करोगे 5, कितना आया 20, 20 बटे 5 कितना आया 4, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 24। और सम संख्याओं के ज्ञात करना है यानी कि 5 अभी तक कितनी बार आया है 5, 24 बार आया, सम संख्याओं ज्ञात करना डिवाइडेड बाय 2 टोटल कितनी बार आ गया 2 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सम संख्याओं के बीच में गैपिंग क्या थी हमारी 2, तो हमारे जो शून्य हो गए कितने हो गए 12। कितने शून्य आएंगे दोस्तों 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से लेकर के 450 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य। अरे भैया एक से लेकर के 450 कह रहा है ना, तो आखिरी अंक कितना हो गया हमारा, आखिरी अंक जो हो गया 450 हो गया। अब 450 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 5 एकम 5 अंक 15 कितना हो गया 130 कितना हो गया 100 सॉरी 5 9 45 सॉरी 5 9 45 कितना हो गया 90 है, कितना हो गया 90 है। अब 90 को किससे डिवाइड कर गया 5 से, ठीक है, 90 को आप किससे डिवाइड करोगे 5 से। जैसे ही आप 5 से डिवाइड किया आपने कितना आ गया, आपने जैसे 90 को 5 से डिवाइड किया 18 पचे 90, 18 को 5 से डिवाइड करो कितना हुआ 5 3 15 3 बच गया, ठीक है 5 3 15 3 बच गया, सबको मतलब अब सबको ऐड कर लो आप 90 10 100 8 3 11 111 कितना आया 111 मान आया। जो ये 111 मान आया ना, इसको क्या करना पड़ेगा आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे 111 बटे 2, क्यों 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सम संख्याओं का निकालना है। जैसे सम संख्याओं का निकालोगे आप कितनी बार आ गया 55 बार आ गया, 55 बार आया यानी कि इसमें जो शून्य को की संख्या होगी दोस्तों कितनी होगी 55 होगी यानी 55 होगी। यहाँ पे जो शून्य होंगे दोस्तों कितने होंगे 55 होंगे। जैसे आप डिवाइड करोगे कितना आ रहा है तुम्हारा
55 आ रहा था, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 55। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक बात यहाँ पर और बची हुई है, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। आगे जो अगली बात यहाँ पे बची हुई है दोस्तों, वह ये बची हुई है, विषम संख्याओं में शून्य कितने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपने सम संख्याओं को पढ़ा, अगर इसी जगह मैं विषम संख्याओं की बात करती, विषम संख्याओं की बात करता, एक गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े सात गुड़े नौ गुड़े ग्यारह गुड़े तेरह गुड़े चौदह गुड़े सॉरी तेरह गुड़े पंद्रह गुड़े पचपन तक, ऐसे आप आगे बढ़ाते हुए पचपन तक निकल लो। इसमें अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, भैया इसमें पचपन तक में तो आप पांच को तो फाइंड कर सकते हो, पांच कितनी बार आया है, लेकिन दो को फाइंड नहीं कर सकते हो। सम संख्याओं में दो और पांच दोनों आ जाते हैं, इसलिए हमने तो फाइंड कर लिया कितने शून्य का आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप बताओ कहीं पर भी दो आ रहा है क्या। जब दो नहीं आएगा तो विषम संख्याओं की गुणा करने पर, विषम संख्याओं के गुणा करने पर, विषम संख्याओं के गुणा करने पर शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो का जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं ना, दो कहीं आ ही नहीं रहा, क्योंकि दो और पांच के जोड़े के बिना हमारा क्या हो सकता है, शून्य नहीं आ सकता। जब दो और पांच के जोड़े ही नहीं बनेंगे तो शून्य कहां से आएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि विषम संख्याओं के गुणा करने पर जो शून्य होंगे वो हमारे फाइंड नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हम लोग अगले टॉपिक में अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब के लिए बाय बाय।